हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में, जो सीरीज नंबर 56 आपका चल रहा है। ये सीरीज फ्रेंड्स आपको बता दें कि एसआरपी बीपीएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए और बिहार दरोगा के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि परिस्थितियां जो होती है ना, परिस्थितियों का दास नहीं बनिए, परिस्थितियों के अनुकूल चलिए लेकिन परिस्थितियों का दास नहीं बनिए। परिस्थितियां हमेशा एक समय नहीं होती है सभी की, और सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती है। तो आप अपने परिस्थिति को समझे और अपने परिस्थिति को समझकर खुद को मोटिवेट करने का हमेशा प्रयास करेंगे। मोटिवेशन एक ऐसा चीज होता है जो अपनी परिस्थिति से ही इंसान को आता है। कोई दूसरा कोई अगर हमें मोटिवेट करेगा तो वो अपनी परिस्थिति को ही एग्जाम्पल लेके आपको मोटिवेट करेगा, जो कि हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां कुछ अलग हो, आपकी परिस्थितियां उनकी परिस्थितियां से कुछ अलग हो, और उनका अब का परिस्थिति कुछ है और अभी आपका परिस्थिति कुछ और है। तो खुद अगर आप अपनी परिस्थिति को देख के मोटिवेट नहीं होते तो दुनिया का कोई भी मोटिवेटर, दुनिया का कोई भी ज्ञानी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो भी काम आप करते हैं, पढ़ाई करते हैं या जो भी काम आप करते हैं, उस काम के प्रति समर्पित रहें, उस काम के प्रति प्रेम दर्शाएं, वह काम भी आपको प्रेम देगा, वह काम भी अंत में हारेगा और आपको जीत दिलाएगा। जरूरी नहीं कि सफलता एक ही समय हर एक इंसान को मिल जाए, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्लियर? लेकिन हाँ, काम के प्रति अगर आप समर्पित रहेंगे तो जो भी काम करते हैं उसमें असफलताएं आती है, ऐसा नहीं है, असफलताएं आती है, उसका आना जाना बना रहेगा, लेकिन आप अगर दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चुनेगी। फ्रेंड्स हम चलिए फ्रेंड्स इस थॉट्स के साथ आज का पहला क्वेश्चन जो है सेशन का शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? मजरूल हक जो थे वो पटना में होम रूल लीग की स्थापना की थी, पटना में, बिहार के पटना में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में किया था। यह मजरूल हक जो थे वो होम रूल लीग आंदोलन के पटना में अध्यक्ष थे, यह बात ध्यान रखेंगे। जबकि सचिव के तौर पर ध्यान रखेंगे तो चंद्रवंशी सहाय और बैद्यनाथ नारायण सिंह, चंद्रवंशी सहाय एंड बैद्यनाथ नारायण सिंह जो थे वो सचिव थे, ध्यान रखेंगे। भारत में होम रूल लीग के संस्थापक जो थे वो एडी बेसेंट, जिन्होंने मद्रास में होम रूल लीग की आंदोलन की स्थापना की थी, जबकि पूना में होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजलम 2.0 अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक अभियान को लॉन्च किया गया है, जो अपशिष्ट जल प्रबंधन करने के लिए तथा खुले में शौच मुक्त गांव का निर्माण करने के लिए यह सुजलम 2.0 अभियान को लॉन्च किया गया है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भी अभियान को लॉन्च किया गया है, जो कि पढ़े भारत अभियान तथा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान, पढ़े भारत अभियान तथा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भी अभियान को लॉन्च किया गया है, जिसे ध्यान रखेंगे, बढ़े चलो अभियान को लॉन्च किया गया है। यह बढ़े चलो अभियान जो है वो भारत के सभी हिस्सों में जो युवा है उससे जुड़ने का काम करेगी, और इसमें देशभक्ति के प्रति गहरी संवेदनाओं को, भावनाओं को जागृत करने का काम करेगी, जिसे बढ़े चलो अभियान के तहत संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यूपी के आगरा में सूर सरोवर पक्षी विहार है, ध्यान रखेंगे, और इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो ध्यान देंगे, इसे अक्षत वनस्पति के नाम से जाना जाता है। देशज वनस्पति किसे कहा जाता है? फसल का वह वनस्पति जिसका उत्पत्ति भारत में ही हुआ है, अपने ही देश में हुआ है, देसी फसल कहेंगे। देसी फसल जिसका जन्म जो हुआ है भारत में हुआ है, जबकि विदेशज वनस्पति हुआ होता है जो विदेशी वनस्पति होता है, विदेशी फसल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किड एवं ब्रोमेलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? आर्किड और ब्रोमेलाइड पौधे को सबसे पहले बात समझेंगे कि यह परजीवी होता है, पैरासाइटिक होता है,
और यह दूसरे पौधे पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर करता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि आर्किड और ब्रोमिलाइड पौधे को प्रकाश की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है, और वर्षा वन जो विषुवतीय क्षेत्र का वर्षा वन होता है उसमें प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि उसके पेड़ लंबे लंबे होते हैं, सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदना या सूर्य के प्रकाश को पाने के लिए अपने शाखाओं को लंबा कर लेती है, ऊंचा कर लेती है और फैला लेती है, जिसके कारण से सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से आर्किड और ब्रोमेलाइड जैसे परजीवी पौधे उग जाते हैं। तो ये वर्षा वनों के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन बिहार हेराल्ड के संपादक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक ओपेरा हाउस है, और यह ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? तो सिडनी में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र ऐसा जगह होता है फ्रेंड्स जिसको, ध्यान रखेंगे, इसे महाद्वीप, इसे ही द्वीप और इसे ही एक राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के महासचिव को नियुक्ति कितने वर्ष के लिए किया जाता है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में किया गया था। फ्रेंड्स याद रखेंगे, यूएनओ के 6 अंग होते हैं जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय होता है। इसी सचिवालय में एक महासचिव होते हैं, ध्यान रखिएगा, और इस महासचिव की नियुक्ति जो किया जाता है, इसकी नियुक्ति जो किया जाता है वो महासभा द्वारा किया जाता है, महासभा द्वारा किया जाता है। लेकिन यह महासभा जो होता है वह किससे सलाह लेता है? तो सलाह के तौर पर, सलाह जो लेता है वो आपको सुरक्षा परिषद से, सुरक्षा परिषद से सलाह लेकर ही महासचिव की नियुक्ति सचिवालय में 5 साल के लिए, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए करती है। महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद के सिफारिश के आधार पर और भी कई कार्य किए जाते हैं फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिसमें से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की, न्यायाधीश को नियुक्त करना हो या नए देश की सदस्यता ग्रहण करना हो, ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट जो होते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीश, के न्यायाधीश की नियुक्ति करना इसका और भी काम होता है। दूसरा काम इसका यह भी होता है, नए देशों की सदस्यता दिलाना, नए देशों को सदस्यता दिलाना, इसका काम महासभा का ही होता है। इसके अलावा यूएनओ का बजट जो होता है, बजट प्रस्तुत करना भी यह महासभा के द्वारा ही किया जाता है, ध्यान रखेंगे, बजट प्रस्तुत करना भी महासभा का ही काम होता है, ध्यान रखेंगे, सुरक्षा परिषद के सलाह पर यह सभी काम करता है महासभा। महासभा को और भी एक ध्यान रखेंगे कि महासभा को विश्व की लघु संविधान कहा जाता है, विश्व का लघु, लघु संसद भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक और अवकारक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, ऑक्सीकारक जो होता है वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला जो होता है उसे ऑक्सीडेंट एजेंट के नाम से जाना जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जबकि अवकारक यानी रिडक्टेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे ही रिडक्टेंट एजेंट के नाम से जाना जाता है। अब कुछ ऑक्सीकारक और कुछ अवकारक का भी नाम पहले देख लेंगे कि कौन सा ऑक्सीकारक होता है, कौन सा अवकारक होता है। तो ऑक्सीकारक के अंतर्गत समझेंगे कि कौन कौन सा होता है, तो O2 होता है, O3 होता है, H2O2 होता है, H2O2, HNO3, और ध्यान रखेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट KMNO4, और ध्यान रखेंगे K2Cr2O7। ये सभी जो होते हैं वो ऑक्सीकारक होते हैं, जबकि अवकारक के एग्जाम्पल में अगर यदि जो देखेंगे तो हाइड्रोजन H2 होते हैं,
सीओ, इसके अलावा ध्यान रखेंगे H2S, इसके अलावा ध्यान रखेंगे SO2, इसके अलावा ध्यान रखेंगे कार्बन, इसके अलावा ध्यान रखेंगे SNCl2। ये सभी जो होते हैं वो अब कारक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब वैसे हम आपको वैसे पदार्थ बताएंगे जिसमें से दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो दोनों के गुण पाए जाने वाले यानी ऑक्सीडेंट प्लस रिडक्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, दोनों के गुण पाए जाने वाला में से याद रखिएगा H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 यानी हाइड्रोजन परोक्साइड, इसके अलावा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके अलावा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा HNO3 यानी HNO2, इसको ध्यान रखेंगे ये ऑक्सीडेंट भी होते हैं और रिडक्टेंट भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा है कि दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ इसमें से कौन सा नहीं होता है, तो आप ध्यान देंगे HNO3 जो होता है वो नहीं होता है, इसके स्थान पर अगर HNO2 रहता तो ये दोनों की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार के बिलियन का एग्जाम्पल होता है? तो धुआं जो होता है ध्यान रखेंगे गैस में ठोस का मिश्रण होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्लियर। इसके अलावा कोहरा हो गया, बादल हो गया, ये गैस में द्रव्य का बिलियन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एल्कोहल से इथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्म एलुमिना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी पर भी ध्यान देंगे कि अगर यदि जो वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाना है, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग धूप के चश्मा के बनाने में किया जाता है। फ्लिंट कांच का ध्यान रखेंगे कि यह फ्लिंट कांच का प्रयोग विद्युत बल्ब बनाने के लिए, कैमरा का लेंस बनाने के लिए, इसके अलावा दूरबीन लेंस बनाने के लिए फ्लिंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है। पायरेक्स कांच की प्रयोग बात किया जाए तो प्रयोगशाला उपकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकाशकीय कांच की अगर यदि बात किया जाए तो यह फोटोक्रोमेटिक ग्लास होता है जो धूप से बचने के लिए धूप चश्मा के रूप में इसका इस्तेमाल, धूप को काला, धूप में जब यह चश्मा जाता है तो यह काला हो जाता है, फोटोक्रोमेटिक यह कांच होता है, क्लियर। आप डायरेक्टली रूप से ये नहीं समझेंगे कि धूप चश्मा में ही इसका प्रयोग किया जाता है, धूप चश्मा के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है लेंस बनाने में, धूप चश्मा के लेंस बनाने में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है, लेकिन धूप चश्मा में धूप से फोटोक्रोमेटिक से बचने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जब प्रकाश में जाएंगे, धूप में जाते हैं तो यह काला पड़ जाता है क्योंकि इसमें सिल्वर क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण से यह फोटोक्रोमेटिक कांच जो होता है वो काला पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी में एक क्वेश्चन आप पूछता है, क्राउन कांच, ये तो क्रूक्स कांच हो गया, अब क्राउन कांच को भी याद रखना है, क्राउन कांच दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो क्राउन कांच जो होता है वो चश्मा लेंस में क्राउन कांच का इस्तेमाल किया जाता है, जो पावर वाला चश्मा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है? तो पिक्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल को, TNP ऑप्शन नंबर बी को कहा जाता है। इसके अलावा TNT जो होता है वो एक प्रकार का विस्फोटक होता है, TNT यानी ट्राई नाइट्रोटॉल्विन जो होता है वो एक विस्फोटक होता है, ध्यान रखिएगा, और यह टॉल्विन और सांद्र H2SO4 तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से बनाया जाता है। यह TNT की खोज की अगर यदि जो बात किया जाए तो इसकी खोज 1963 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इसका प्रयोग की अगर यदि जो बात किया जाए तो पहली बार 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था, क्लियर। TNG क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ TNG, तो यह होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉन ग्लिसरीन, यह डायनामाइट बनाने में, डायना
माइट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खोज अगर यदि जो देखा जाए तो 1846 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था। यह टीएनजी जो होता है, इस टीएनजी को नोवेल का तेल कहा जाता है, नोवेल्स वाइल के नाम से जाना जाता है, नोवेल का तेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामा चकेवा जो है वो मिथिला के क्षेत्र में मनाया जाता है, जो दरभंगा के एरिया में पड़ता है, मिथिला के क्षेत्र में मनाया जाता है। ध्यान देंगे, यह सामा चकेवा जो है लोक नाट्य है बिहार का। बिहार का क्या है? लोक नाट्य, जो लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, लोक नाट्य है। और इसका आयोजन जो होता है वो कुमारी कन्या द्वारा, कुमारी कन्या के द्वारा द्वारा अभिनय किया जाता है। यह एक अभिनय होता है जो कुमारी कन्याओं के द्वारा अभिनय किया जाता है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष के सप्तमी से पूर्णमासी के दिन यह तक यह सामा चकेवा मनाया जाता है। सामा का मतलब होता है श्याम, और चकेवा जो अपनी पुत्री को ही श्राप दिया गया था, तो चकेवा एक प्रकार का पक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसके अनुसार मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था। तो जहाज रानी पर एकाधिकार जो था वो कौटिल्य का था। कौटिल्य जो है वो एक पुस्तक की रचना करते हैं, वो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में राजनीतिक विज्ञान की चर्चा मिलती है। कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री दोनों हुआ करते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो सूची पी को सूची क्यू से मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है शासक और दूसरे तरफ उसके द्वारा किया गया निर्माण, उसके द्वारा किया गया निर्माण कार्य। तो ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को नियंत्रित किया था, मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, सुल्तान की उपाधि धारण न करके खलीफा के पद से ही खुद को खुश रखा था मुबारक खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात किया जाए तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, और फिरोज शाह तुगलक ने नहर का निर्माण करवाया था। क्लियर। तो आंसर मिलता है आपका 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय इसमें से कौन सा है। तो महायान संप्रदाय है जो बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजता है। क्लियर। बौद्ध, अब देखेंगे बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीन यान और महायान। कै में बौद्ध संगति में? चतुर्थ बौद्ध संगति में, फोर्थ बौद्ध संगति में, जो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति में ही दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया था। हालांकि बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन की अगर यदि जो बात किया जाए तो आंशिक विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति में ही हो गया था, वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में सवाकामी की अध्यक्षता में किया गया था 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन हो गया था, जो महासंघिका और स्थवीर के रूप में विभाजन हो गया था, लेकिन पूर्ण विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में महायान और हीनयान के बारे में, हीनयान के रूप में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल वास्तविक संख्या क्या है। अब ध्यान देंगे, कुल वास्तविक सूक्तों की संख्या अगर यदि जो बात किया जाए तो 1017 सूक्त की चर्चा करती है। ऋग्वेद में 8 अष्टक, ऋग्वेद में 8 अष्टक, 10 मंडल, मंडल कितने? 10। 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त, सूक्त जो है वो 1028 सूक्त, टोटल सूक्त, कुल सूक्त जो है 1028, जिसमें से 11 बालखिल्य सूक्त को भी शामिल किया गया है। बालखिल्य सूक्त 11, बालखिल्य सूक्त जो है इसको भी शामिल किया गया है। और वास्तविक रूप से अगर यदि जो चर्चा किया जाए, वास्तविक सूक्त की चर्चा किया जाए तो 1017 वास्तविक सूक्त, जिसमें 11 बालखिल्य मिल जाएगा तो 1028 सूक्त टोटल हो जाता है। 10462 ऋचाएं, यानी कि अगर मंत्र की बात किया जाए तो ऋचाओं की चर्चा किया गया है 10462 ऋचाओं की चर्चा मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ध्यान रखेंगे सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। क्लियर। अब इसी में क्वेश्चन पूछता है कि अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु जो थे वो थे स्वामी बिरजानंद, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद। अब इसके गुरु थे स्वामी बिरजानंद, ध्यान रखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। 1860 ईस्वी में मथुरा पहुंचने पर स्वामी बिरजानंद जी ने वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा को प्राप्त की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम की अगर यदि जो बात किया जाए तो मूल शंकर इनका वास्तविक नाम था, मूल नाम था, मूल शंकर जो है इनका वास्तविक नाम था, ये ध्यान देंगे। जीवन काल की अगर चर्चा करेंगे तो 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती का 1824 ईस्वी में जन्म होता है और 1883 ईस्वी तक ये रहते हैं। क्लियर। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया था, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। कहां किया गया था यह भी ध्यान रखेंगे, तो इसकी स्थापना बॉम्बे में किया गया था। क्लियर। 1877 ईस्वी में आर्य समाज लाहौर की स्थापना की गई थी, बाद में जाके जो आर्य समाज का अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसा किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही एक पुस्तक की रचना किया गया था, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था, ध्यान रखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है, आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना पंचामृत योजना है, ऑप्शन नंबर ए पंचामृत योजना। किस लिए? तो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए गन्ना का उत्पादन के लागत को कम करना तथा दलहन तिलहन और सब्जियों के उत्पादन के प्रोत्साहन देना, यही इस पंचामृत योजना का उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की भी शुरुआत किया गया है, ध्यान रखिएगा। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो है वह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया। प्रोजेक्ट शब्द भावना की अगर बात करेंगे तो प्रोजेक्ट शब्द भावना जो है वो असम सरकार के द्वारा जारी किया गया है, और मेरा घर मेरे नाम योजना जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा, पंजाब राज्य के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1940 में चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए किसे पहले नेता के रूप में चयन किया गया था? तो ध्यान रखेंगे सबसे पहला चलन जो है वो चयन सबसे पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जो 1940 ईस्वी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे, ध्यान देंगे। इसकी स्थापना जो है वो 17 अक्टूबर यहीं पर लिख लेंगे 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को किया गया था। दूसरे सत्याग्रही के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, सेकेंड सत्याग्रही, सत्याग्रही जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। क्लियर। अब यह विनोबा भावे जो है इनके राजनीतिक गुरु का भी पूछ देता है कि विनोबा भावे का राजनीतिक गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये अपने राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी को मानते थे, महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ध्यान रखेंगे। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि गांधी जी के विश्वस्त अनुयायी विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुन लेने के बाद ही यह द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। भूदान आंदोलन के प्रेरणेता के रूप में, भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीत लिया था? तो तोरण का किला जो था वो शिवाजी ने
पहली बार जीत लिया था 1645 ईस्वी में पहले अभियान के दौरान। 1645 ईस्वी पहला अभियान करता है शिवाजी और तोरण के दुर्ग को जीत लेता है। ध्यान देंगे राजधानी शिवाजी ने अपने रायगढ़ को बनाया 1655 ईस्वी में। 1655 ईस्वी में राजधानी शिवाजी रायगढ़ को बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा जावली दुर्ग को जीत लिया था 1656 ईस्वी में। 1656 ईस्वी में जीत हुआ था किसका? शिवाजी का जावली के किले पर जीत कर लिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार की प्रमुख योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसमें सुधार करना है? तो ध्यान देंगे यह बाल लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए योजना को चलाया गया है। ऑप्शन नंबर बी केवल आपका सही होगा। ध्यान दीजिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा। इस योजना को कहां से शुरू किया गया था यह भी ध्यान रखेंगे, पानीपत हरियाणा, पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो किससे जुड़ा हुआ है? तो मानव अधिकारों के संरक्षण से एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था जुड़ा हुआ है। पूरे विश्व में इस संगठन के लगभग 7 मिलियन सदस्य यानी कि इसके समर्थक है। अब ध्यान देंगे इसकी स्थापना जो हुई थी, इसका संगठन जो हुआ था 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना 28 मई के दिन की गई थी। 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय की भी बात अगर यदि जो आपसे पूछता है कि इसका मुख्यालय कहां है तो ध्यान रखेंगे लंदन में इसका मुख्यालय है, लंदन में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो भारत के संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था किया गया है, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात। 3 प्रकार के आपात की चर्चा, राष्ट्रीय आपात जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में, राजकीय आपात जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में, और एक होता है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव जो है उसको शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक देश है? तो यूरेनियम का उत्पादक देश के अंतर्गत शामिल किया जाएगा तो कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो कि आपको यहां कोई भी ऑप्शन में नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई पर टिक लगाएंगे। कजाकिस्तान जो है वर्तमान समय में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो पूरे विश्व का 1/3 भाग यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान करता है। सेकेंड स्थान पर कनाडा को रखा जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है वो तीसरे स्थान पर है, थर्ड स्थान पर ऑस्ट्रेलिया को रखा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन जादूगुड़ा में, झारखंड में होता है, जादूगुड़ा में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो राजा परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है, अथर्ववेद में ही। क्लियर। यह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का लड़का यानी अभिमन्यु के बेटा के रूप में परीक्षित को दर्शाया गया है, परीक्षित को बताया गया है, जो अथर्ववेद में ही चर्चा किया गया है। इस परीक्षित के मृत्यु जो होती है वो एक ऋषि के द्वारा श्राप दे दिया जाता है और सर्प के काटने से इस परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो ध्यान रखेंगे आंतरिक व्यापार पर लगे करों को लेकर झगड़े का मुख्य कारण हुआ करता था, जिसमें एक फरमान जारी हुआ था 1717 ईस्वी में। फर्क शियर ने एक फरमान जारी किया था कि आयात और निर्यात में छूट दे दी गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो जो है वो एक आग्नेय चट्टान का होता है। गिरी का मतलब क्या होता है? चट्टान। किलिमंजारो एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है जो कि ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान है, जो कि शांत ज्वालामुखी पर्वत का रूप है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ होता है? तो जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम। जिहाद एक अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है पवित्र उद्देश्य से संघर्ष करना। पवित्र उद्देश्य से संघर्ष करना जो है इसका मेन उद्देश्य होता है। इस्लाम धर्म के लिए संघर्ष करना, युद्ध करना, यही जिहाद कहलाता है। धर्म युद्ध जिसे आप कहेंगे, धर्म युद्ध एक ही भाषा में कहेंगे तो इसे धर्म युद्ध के नाम से भी जाना जा सकता है। बाबर और अकबर ने जिहाद का नारा दिया था। औरंगजेब ऐसा शासक था जो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का बात कहा था, बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ध्यान देंगे, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जो होगा वो भारत में आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया की अगर बात करते हैं तो यहां पर 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में हुआ, जबकि ब्राजील की अगर यदि जो बात करते हैं तो यहां पर होगा 19वां G20 जो 2024 में आयोजन किया जाएगा। क्लियर। अब जापान वाला भी याद रखेंगे, जापान में क्या होगा? तो आगामी 49वां G20 शिखर सम्मेलन जो होगा, सॉरी 49वां G7 शिखर सम्मेलन जो होगा 2023 में आयोजन जापान में किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो थे वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। यह उत्तर प्रदेश के पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी को हुआ था। क्लियर। अमीर खुसरो जो थे वो एक कवि थे, राज दरबारी कवि थे जो खुसरो दरबारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका उपनाम तूत ये हिंद यानी भारत का तोता है। तूत ये हिंद यानी भारतीय तोता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, इस अलाउद्दीन खिलजी को। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य के रूप में भी जाने जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 ईस्वी की अस्थाई भूमि व्यवस्था के द्वारा भू स्वामित्व किसको दिया गया था? तो भू स्वामित्व जमींदारों को दिया गया था 1793 ईस्वी में। यह एक प्रकार की कर व्यवस्था थी जो दर 10 वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी 1790 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 ईस्वी को प्राप्त हो गई थी। जो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज सिक्स जो थे उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित यानी स्वीकृति कराया था। किसके द्वारा? यह भी कभी क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज सिक्स जो थे उनके द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गई थी। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया था। 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा विधेयक को पारित कर दिया गया, जिसके अनुसार 14 और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नाम से दो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अभ्युदय होना बाकी था, मानचित्र पर अस्तित्व में आ गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 हिस्सा राज्य का किस संधि के द्वारा दे दिया था? तो वो पुरंदर की संधि के तहत 3/4 हिस्सा अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। क्लियर। जयसी के साथ पुरंदर की संधि किया था। पुरंदर की संधि की बात किया जाए तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुआ था जो मुगल सेनापति किसके किसके बीच? तो शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच यह पुरंदर की संधि हुई थी। जिसके अनुसार और भी वाक्य क्या था कि इसके अनुसार 4 लाख वार्षिक आमदनी वाले 23 जो किला था वो मुगलों को सौंपना पड़ गया था शिवाजी को। क्लियर।
तो जयसिंह और शिवाजी के बीच ही यह पुरंदर की संधि होती है। जयसिंह जो था वो मुगल सेनापति था, मुगल सेनापति जयसिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो ध्यान देंगे, बयाना जो था वो नील उत्पादन के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मुगल काल में निर्यात मुख्य जो फसल होते थे उसको भी ध्यान रखेंगे तो नील, सोरा, अफीम, सूती वस्त्र का भी उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा मुगल काल में सबसे अच्छी नील जो होती थी वो गुजरात में सरखेज तथा बयाना में पैदा होती थी। सरखेज ये दोनों ही स्थित है कहां? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काराकोरम, लद्दाख, पीर पांजाल, जास्कर और धौलाधर पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से हिमालय की किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है? यह पंजाब हिमालय के अंतर्गत शामिल किया जाता है चारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीति भूल सिद्ध हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, अवध का अधिग्रहण करना, अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाना, यही डलहौजी जो कि अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर सबसे पहले डलहौजी ने सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिलाया, सबसे लास्ट में किसको मिलाया? अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिलाना ही लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सबसे भयंकर राजनीतिक भूल में से एक सिद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, वह हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सल्फाइड के मौजूदगी के कारण रंगहीन हो जाता है। पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी पिताजी पीतल जो होता है वो तांबा Cu+ZN का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार का कौन सा मृदा होता है? तो ध्यान देंगे, जलोढ़ मृदा जो होता है वो सबसे उपजाऊ मृदा के रूप में जाना जाता है। ये मृदा जो होता है वो पूरे भूभाग का 40% भाग पर, पूरे भूभाग का 40% भाग पर यह जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा होना, कोहरा एवं ओलावृष्टि वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ध्यान रखेंगे, वायुमंडल का नीचे से ऊपर की ओर चार क्रम होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के रूप में। तो क्षोभ मंडल में मौसम परिवर्तन संबंधी घटनाएं होता है जिस कारण से इसे परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी में वर्षा होना, कोहरा लगना, कुहासा लगना, ओलावृष्टि होना, बर्फबारी होना, ये सभी घटनाएं घटित हो जाती है क्षोभ मंडल में। ध्यान दीजिएगा, इसकी औसत अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो 8 से लेकर 12 किलोमीटर तक इसकी औसत ऊंचाई होती है। दूसरा मंडल आता है समताप मंडल, वायुयान के उड़ान के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसे शांत मंडल के नाम से भी जाना जाता है, शांत मंडल के नाम से भी जाना जाता है। मध्य मंडल और उसके बाद ओजोन परत होता है, ओजोन मंडल होता है और उसके बाद बहिर्मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं किया जाता है? तो बाल्कन राज्य में इटली को शामिल नहीं किया जाता है। सर्बिया हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया, मेसिडोनिया, कोसोवो, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया को सम्मिलित रूप से बाल्कन राज्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा होता है? माउंट किलिमंजारो होता है। यह एक ज्वालामुखी निर्मित आग्नेय चट्टान का रूप होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या काम करती है? तो यह काम करती है समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी का काम करती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज्य व्यवस्था की चर्चा मिलती है और इसकी चर्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की अगर यदि जो बात किया जाए तो भाग 4 में, और अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की चर्चा मिलती है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें अनुच्छेद 40 जो है वहीं पर
पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो कार्यपालिका विधान पालिका के अधीन रहकर ही कार्य करता है। भारतीय संविधान में कार्यपालिका के प्रधान किसको बताया गया है? राष्ट्रपति को, लेकिन वास्तविक प्रधान कार्यपालिका का प्रधानमंत्री को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? वो संसद के पास होती है, ऑप्शन नंबर डी। 124 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की चर्चा अनुच्छेद 124 अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता की शक्ति और विनिमय करने की शक्ति विधि संसद के पास प्रदान किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं के उच्च सदन कौन से होते हैं? तो उच्च सदन विधान पालिका परिषद कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी, विधान पालिका परिषद के नाम से भी इसे जाना जाता है। ध्यान देंगे, अनुच्छेद 169 के द्वारा संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है। क्लियर। इसकी चर्चा जो होती है 169 में, जो कौन करता है? तो संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है, विधान परिषद का गठन संसद द्वारा किया जा सकता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज ये रहा। कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लगातार रिवीजन करते रहिएगा, एग्जाम में आता है उसके बाद रिवीजन करते हैं। ये एक गलत कंसेप्ट है, ये एक गलत तैयारी है। आप लगातार अपने कंसेप्ट को बनाए हुए रखेंगे, रिवीजन लगातार करते रहेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस लगातार करते हुए रहेंगे, एग्जाम आएगा भी और अपने समय पर जाएगा भी, आप वही ना छूट जाए, इसके लिए लगातार रिवीजन करेंगे। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम KCC ऑफिशियल है। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, वहां से भी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर और पीडीएफ का आनंद ले सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, चाहे तो NCERT का सीरीज हो, चाहे तो बिहार स्पेशल सीरीज हो, इन सभी का रिवीजन अगर आप करके एग्जाम में जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले से प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत